देश में हर साल लाखों युवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जनरल ड्यूटी जीडी परीक्षा में भाग लेने की तैयारी करते हैं। आयोग ने 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद 30 नवंबर 2022 को समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल एसएससी जीडी परीक्षा कई बदलावों के साथ 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 30 लाख से अधिक उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। 3 हफ्ते बाद बदले हुए पैटर्न पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। एसएससी जीडी परीक्षा में हुए 6 बड़े बदलाव। पहले एसएससी जीडी परीक्षा 90 मिनट की होती थी, नए पैटर्न में 60 मिनट में आयोजित होगी। पहले 100 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हर प्रश्न का 1 अंक होता था, अब हर प्रश्न का 2 अंक होगा। पहले 100 पूर्णांक अंक होता था, अब पूर्णांक 180 अंक का होगा। पहले हर सेक्शन में 25-25 सवाल थे, अब हर सेक्शन में 40 सवाल पूछे जाएंगे। पहले गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाता था, लेकिन अब आधा अंक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। किन विभागों में मिलती है एसएससी जीडी भर्ती के बाद जॉब? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, कर्मचारी चयन आयोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।